मैं ये समझ लो कि मेरी ना बचपन से ना बड़ी बैड लक है, सही है। पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने ना मुझे मदरसे में करवा दिया। चलो चले गए। मदरसे का अगर आप लोगों को पता ना हो ना, तो मदरसे का सीन ऐसा होता है कि थर्ड डिग्री टॉर्चर जो है ना, वो मदरसे से ही निकला। मदरसे में बच्चे को भेजते ही इसलिए ताकि वहाँ पे कुटे, सिर्फ कुटे। और यकीन करें आप लोग, कारी साहब जो होते हैं ना, जैसे मेरे यहाँ पे अगर चोट लग जाए, यहाँ पे लग जाए, हम लोग क्या करते हैं, सहला लेते हैं। कारी साहब जिस्म के ऐसे हिस्से पे मारेंगे, हाथ भी नहीं पहुँचता फलम, पेट करके रगड़ रहे होते हैं। सही, चलो एडमिशन करवा दिया। अब मैं जा रहा हूँ, एक हफ्ता हो गया मुझे मदरसे में जाते हुए। सही, एक हफ्ते के बाद कारी साहब ने अब्बा को बुलाया, अब्बा को सामने बिठाया, सामने बिठा के बोल रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के मैन्यूपुलेट किया, ऐसा मैन्यूपुलेट किया कि दो मिनट बाद अब्बा बोल रहे हैं कि आज से रूह हमारी, जिसे माँ का मारो बहन। मैं वहां बैठा हूँ, कुट रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, रोज कुट रहा हूँ। एक दिन अड़ गई आपके भाई की, मैं सीधा गया अब्बा के पास, मैंने कहा ये क्या तरीका है, तीन बड़ी बहनें भी तो, इनको क्यों नहीं करवाया। मैंने बड़े प्यार से बुलाया, बिठाया, कहा बेटा बात सुनो, बेटा जब हाफिज बनता है ना, तो वो अपने माँ बाप को ना जन्नत में लेके जाता है। ओ, मैंने कहा वाह, प्राउड फील। मैं अगले दिन फिर गया, फिर कुट रहा हूँ कुत्ते की तरह, ठाप ठाप कर कुटते हुए। ये सोच रहा हूँ घर पे जो आदमी उस आदमी को खुद कुछ मेहनत नहीं करनी जन्नत में जाने के। और आज अब्बा मुझे देखते होंगे तो सोचते होंगे काश मैं जवानी में ही कुछ अच्छे काम कर लूं।